अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है सर्दी की आमद है और साथ सर्दी की सौगात गाजर ये भी आ चुकी है, तो हमने सोचा कि हम जो है गाजर की मशहूर सौगात एक प्रोडक्ट बनती है गाजर का हलवा, तो उसको बनाते हैं। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सामान नहीं है ना, जो गाजर के लिए कद्दूकश वगैरह की ज़रूरत होती है, तो हम कोई अपना कोई जुगाड़ू तरीके से बनाएंगे और देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये गाजरें मैंने अच्छे वाली ले ली है इसे, तो इनको सफाई कर लेते हैं इनकी। ऐसे गाजरों की सफाई कर लेते हैं ये। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गाजरों की सारी सफाई हो गई है, अब इनको हम धो लेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें हमने धो के साफ कर ली पानी से, अब इसको बारीक बारीक इस तरह स्लाइस बना लेते हैं। सही है, सही ठीक है जी, ऐसे कर लो सारे। माशाल्लाह अपनी गाजरें काफ़ी हद तक फ्रेश हो गई हैं इस तरह के। इस पतीले का बंदोबस्त मैंने कर लिया है सिल्वर का, क्योंकि इसी के अंदर ही गाजर का हलवा सही बनता है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चलेगा। हमारे पास तकरीबन 2 किलो गाजरें हैं, इसी तरीके से ये 2.5 लीटर दूध है, इसको इसके अंदर डालते हैं। इसमें बस सारा धीमी सी आंच पे इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए दूध को। जी एक पतीले के अंदर हमने दूध को गर्म रख दिया, दूध गर्म होके इसका थोड़ा सा खोया बनेगा। दूसरा एक पतीला हम लेते हैं, ये कुकर है मेरे पास, तो इसके अंदर हम डालते हैं जी जैतून का ऑयल थोड़ा सा। देसी घी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन हमारे पास घी नहीं है तो हम ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेते हैं। चूल्हा ऑन करते हैं। ये गाजरें जो है इसके अंदर डाल के इनको भून लेते हैं। ये गाजरें हमने इसके अंदर डाल ली हैं और थोड़ा सा ये गर्म होगा तो गाजरें नीचे चले जाएंगी, फिर हम इसको इंशाल्लाह हिला, थोड़े से हिलाने के बाद इसके ऊपर हम प्रेशर कुकर लगा देते हैं। सिर्फ 2 सीटी तक या 1 सीटी तक इसको चलाना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे इंशाल्लाह। जी तो कुकर में ये थोड़ी सी नरम हो जाएंगी और जब तक ये हमारा खोया बन रहा है धीमी धीमी आंच पर, और इसको वक्फे वक्फे थे यूँ हिलाते जाएँ। तो कुछ मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं ताकि खुशबू आए इसमें से। जी अल्हम्दुलिल्लाह सीटी बजना शुरू हो गई है, इसी तरह हमारा ये खोया भी तकरीबन बनने वाला है, थोड़ा सा रहता है। अब इस कुकर को खोलते हैं, ये हटा देते हैं इसकी, ये कुकर खोलता है। बिल्कुल गर्म हो गई, छिलाते हैं इसको।
से माशाल्लाह गाजरें बिल्कुल खुशबू भी आ रही है और बिल्कुल नरम हो गई। अभी ऐसे ही कुछ देर तक हिलाता जाते हैं और इसको भूनते हैं। जी जब तक हमारी ये गाजरें भूनती हैं, हम जो है वो ये हमारे पास कोकोनट, इसको तैयार कर लेते हैं। और ये अपने पास बादाम, इनको निकाल लेते हैं कुछ। इसी तरह ये अपने पास किशमिश, किशमिश इसकी सफाई कर लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस तरह की पोजीशन में आ गए हैं, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और हम इस तरीके से इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो गाजर के बड़े बड़े पीस हमने डाले थे वो मैश हो जाए। और इधर हमने ये बादाम के छिलके उतारने के लिए और कोकोनट को क्रश करने के लिए, चूँकि हार्ड होता है कोकोनट बहुत ज़्यादा, तो इसको पीस करने के लिए ज़रूरी था कि इसको पहले गर्म पानी में। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैश भी अच्छे तरीके से हो गया है, आप देखते हैं बिल्कुल ज़्यादा मैश भी नहीं करना कि बिल्कुल वो एक पेस्ट बन जाए, क्योंकि फिर वो पेस्ट अच्छा ही लगती, थोड़ी सी गाजर मोटी उसमें फील हो आपको खाते हुए तो उसका अलग है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अपना खोया भी ऑलमोस्ट रेडी है, तो अब इसके अंदर जो है हम लोग ये गाजर इसके अंदर डाल के मज़ीद पकाते हैं इसको। बिस्मिल्लाह बिल्कुल धीमी कर दें, पता नहीं भाई पर समय को आँच अगर धीमी कर देंगे तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और ये अच्छे तरीके से पक जाएगा इंशाल्लाह। जब तक हम ये जब तक अपना ये गाजर का हलवा बनता है, इसको साथ साथ मुसलसल हिलाना है, कब तक हम ये बादाम छीन लेते हैं। इसी तरह ये अपना कोकोनट है, इसको भी बारीक बारीक काट लेते हैं। अंगूर है, बादाम और कोकोनट हमने छीन लिया है। अब ये ड्राई फ्रूट डालने का सही तरीका ये है कि आप इनको थोड़ा सा पहले तेल के अंदर भून लें, ताकि इनका जायका जो है वो तेल के अंदर आ जाए। और दूसरा ये अंगूर, इसको ड्राई फ्राई करेंगे तो इसका जो खट्टापन होगा वो फिर हलवे के अंदर नहीं आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या रेगुलर एथलेटिक खोए हलवे जैसा कलर निकला। अभी इसके अंदर कुछ इलायची डाल देते हैं। बस को मुसलसल हिलाते रहें ताकि नीचे ना लगे, और जब ये हल्का हल्का सा जो ऑयल हमने डाला है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, अपेयर होना शुरू हो जाए इस बर्तन के अंदर, तो फिर समझ लें कि बन गया। चीनी ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता, बट ये
किसी को देना भी है तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी डाल देते हैं। ये तकरीबन कोई 50 या 100 ग्राम के करीब होगी चीनी जो हम इसके अंदर डाल देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना गजरेला बिल्कुल पक के तैयार हो गया। आग बंद कर देते हैं और देखें आप खुशबू रंगत माशाल्लाह।